लेकिन जो विरोधी दल के नेता वो भी काफी पराक्रमी हैं, कांग्रेस के नेता बी के हरिप्रसाद, उन्होंने कहा कि जो पुलवामा में हमला हुआ ये नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच मिली भगत थी, ये मैच फिक्सिंग था। कहते भी दीवाने, सुनते भी दीवाने और सुनाने वाले भी दीवाने। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि अब पुलवामा के बाद जिस तरह से आपने एयर स्ट्राइक की, जिस तरह से सेना का पराक्रम हुआ, उसका मोदी को इलेक्शन में बड़ा फायदा हो रहा है। कभी भी मोदी, और इस बात को आप देख लीजिए, जो लोग मेरे निकट से मुझे जानते हैं उनको पता है, मैं चुनाव के लिए सरकार नहीं चलाता हूं, न ही मैं दल के लिए सरकार चलाता हूं, सरकार मैं सिर्फ और सिर्फ देश के लिए चलाता हूं। सरकार में मेरे सारे निर्णय देश के लिए होते हैं। हम ये नहीं कहते, हम कभी ये दावा नहीं करते कि हमसे कोई गलती नहीं होती है, हम भी इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं, लेकिन हमारे इरादे नेक हैं। हम देश, हमारे लिए देश सुप्रीम है। अब भारत में कुछ भी करो जी, कुछ भी करो, किसी न किसी कोण में चुनाव होता ही होता है। अब मुझे बताइए, कल यूएन ने इतना बड़ा निर्णय किया, मैं हैरान हूं आज कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि चुनाव के समय अजहर मसूर का निर्णय यूएन ने क्यों किया। अब क्या इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजेगा क्या? क्या यूएन की मीटिंग मोदी तय करता है क्या? अच्छा, मान लीजिए जो कहता है, इतनी ताकत मोदी की है, फिर तो ये देश में मोदी को ही सब कुछ देना चाहिए। अगर यूएन से जो चाहे वो मोदी करवा सकता है, यूएन में चाहे वो डेट तैयार करवा सकता है, यूएन के अंदर चार फेज के चुनाव के बाद फिर एक तय तारीख करके करता है ताकि तीन फेज में फायदा हो, ये सब मोदी कर सकता है, तो फिर 130 करोड़ देशवासियों के लिए मोदी के बढ़कर और कौन चाहिए? इसलिए इनको समझ ही नहीं है कि वो क्या बयान करी, उनके दिमाग में चुनाव इतना भरा है। यूएन निर्णय करे चुनाव, अभी यूएई ने उसके देश का एक सबसे बड़ा सम्मान मुझे दिया, उसमें भी उनको चुनाव दे दिया। अब रशिया ने एक बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया, उसमें भी उनको चुनाव दे दिया। अब दुनिया के देश के लोग, ये कोई हमारा चुनाव का टाइम टेबल या कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ करके थोड़ा देश चलाते हैं जी, वो तो अपने हिसाब से देश चलाते हैं। लेकिन आप भी तो ऐसे काम करते हैं ना, आप पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खरोंच हुए वापस आ गए। वो जो गलती हमारे देश में मेरे लिए लोग करते हैं ना, तो वो भी तो पुराने हमारे देश वाले ही हैं। 47 के पहले उनकी आदत भी तो वही है जो हमारी है, और इसलिए वो भी मेरे सिस्टम में यहाँ के लोग जो टीवी पे वगैरह दिखाते हैं उसके आधार पर सोचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया, तामझाम पूरा, इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी ला करके यहां रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी ला करके यहां रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से चले गए।